बुधवार देर रात सरकारी अस्पताल कमहीदेवी में एक 13 वर्षीय किशोर राघव की मौत होने के बाद अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। परिवार और गांव वासियों का आरोप है कि मौके पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बच्चे का समय रहते इलाज नहीं किया, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राघव गांव बेह नंगल का रहने वाला था और रात घर पर खेलते हुए बेहोश हो गया और जब उसको सरकारी अस्पताल उपचार के लिए लाया गया तो वहां मौके पर ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर समिता अस्पताल में मौजूद नहीं थी, जिसके चलते बच्चे को प्राथमिक उपचार नहीं मिलने के चलते मौत हो गई। इसी के चलते गुस्से में गांववासियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद सिविल सर्जन रेणु सूद और एसडीएम आदित्य उपल और डीएसपी रविंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। नंगल से गगन की रिपोर्ट।